हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी मैं हूँ एयरपोर्ट पर दिल्ली में और आज मैं वापस जा रही हूँ यूक्रेन। सो पहले मेरी फ़्लाइट है फ्रॉम दिल्ली टू इस्तानबुल एंड फ्रॉम इस्तानबुल टू मोल्दोवा चिस्नाव। इमिग्रेशन पे हमें साइड में खड़ा कर दिया था और हम यहाँ पे 10 मिनट तक खड़े रहे। फिर हमें साइड में एक काउंटर होता है इमिग्रेशन का, वहाँ पे लेके गए। फिर वहाँ जाके हमारा सब कुछ क्लियर किया उन्होंने, हमें जाने दिया। तो फिर हम अपना सिक्योरिटी वगैरह करके आ गए। अब इसके बाद अब मैं आ रही हूँ यहाँ पर लॉन्च में, मेरा कार्ड चल गया है। तो ये है यहाँ का लॉन्च जिसमें कॉफ़ी वगैरह ड्रिंक का लंच सब कुछ है, मतलब ब्रेकफास्ट अवेलेबल। मैंने सिर्फ एक कॉफ़ी ली है और अब थोड़ा बहुत फ्रूट्स वगैरह खाए हैं। सुबह सुबह खाने का मन नहीं किया था, बहुत कुछ था वैसे वहाँ पर, तो पिंडी छोले कुलचे वगैरह सब कुछ अवेलेबल था। तो मेरा चेक इन हो गया है और मैं अपना सब कुछ इमिग्रेशन वगैरह हो गया है। अभी मैं नीचे जाके आपको पूरी स्टोरी बताती हूँ कैसे हुआ है, क्या हुआ है, हमसे रिटर्न टिकट मांगी कि नहीं मांगी। सो ये सब मैं अभी आपको बताती हूँ नीचे चल। ये है यहाँ का प्रीमियम लॉन्च। लॉन्च गई थी और न्याज यहाँ पे अपने फ्रूट्स वगैरह खा रही थी, तो फिर मैं वहीं आ गई हूँ अपना खा पी के लॉन्च से। और अभी बस हमारी टाइमिंग होने वाला है, अभी 5:30 हो गया है और हमारी फ़्लाइट है 5:45 पे बोर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और 6:55 की हमारा टेक ऑफ टाइम है। सो 8 आवर्स की ये फ़्लाइट है टू इस्तानबुल। पहले इस्तानबुल जाएंगे, फिर वहाँ पे हमारा 1.5 आवर का हॉल्ट है और फिर वहाँ से हम आगे जाएंगे टू चिस्नाव मोल्दोवा। और वहाँ से वहाँ पे हम एक दिन रुकने वाले हैं, तो पूरा प्रोसेस मैं आपको दिखाती रहूँगी साथ साथ में, बाकी बता भी दिया है मैंने जो भी है। कुछ हल्दीराम से भी ले लेते हैं। तो हमारी बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, वहाँ पर सब जा रहे हैं, बस लास्ट टाइम बोर्डिंग के लिए हम फटाफट जा रहे हैं। और वहाँ पर कोई भी नहीं आई, देखिए मेरे पीछे कोई भी नहीं, एकदम खाली हो चुका है। जल्दी सब बोलेंगे कि ये सबसे लास्ट में आ रहे हैं दोनों। मज़ा आ गया आज तो, वैसे क्या क्या नहीं हुआ है। बाय बाय इंडिया। तीनों सीट खाली मिल जाना लग खाली जा रही है। मेरे तो साइड वाली दोनों सीट खाली है अभी, होपफुली या कोई ना आए। हेडसेट है, हेडफोन, ये ब्लैंकेट है। फिर हम पहुंचे इस्तानबुल और इस्तानबुल में था हमारा ट्रांसफ़र, तो हम अपने इंटरनेशनल ट्रांसफ़र की तरफ अब जा रहे हैं। यही बीच में बहुत सुंदर सा एयरपोर्ट है ये, और अभी हम जाएंगे अपना ट्रांसफ़र लेते हैं, फिर उसके बाद ड्यूटी फ्री में जाके थोड़ा सा घूमेंगे फिरेंगे। ये है इस्तानबुल एयरपोर्ट से कुछ चाहिए था तो मैंने उसके लिए ले लिया, तो थोड़े से मैग्नेट और नीचे वगैरह।
जल्दी से कुछ ले लो। तो अभी हम अपनी सेकंड फ्लाइट बोर्ड करने जा रहे हैं। एक और खासियत है, अगर आपका 6 घंटे से ज़्यादा का हॉल्ट है, अगर आपका 12 घंटे का है, तो आपको काउंटर पे ये 2 बार एक स्लिप दे देते हैं जिससे आप जाके खा सकते हो। जैसे कि 12 घंटे है तो आपको 2 बार वो स्लिप मिलेगी, 18 घंटे है तो 3 बार ले सकते हो, 6 घंटे है तो 1 बार ही मिलेगी। तो मिनिमम टाइम इसका 6 आवर्स है। फ़्लाइट में जाने से पहले मैंने सोचा एक कॉफ़ी ली जाए और फिर मस्त अपने यहाँ से कॉफ़ी ली। फ़्लाइट के लिए भी एकदम लास्ट में आया बोर्डिंग करने और यहाँ पे सबकी बोर्डिंग हो चुकी है। अगर आप पूछेंगे वो हमसे मल्लोवा में पूछेंगे, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं था ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ट्रांजिट था। हमें लास्ट में बोर्डिंग करने का एक फ़ायदा हुआ। यहीं पर बैठे हैं क्योंकि हम लेट आए थे, हम तो कोई ऑप्शन नहीं रहा। मैंने पहले ही अपनी मील सेलेक्ट करी थी, उसमें यह सब कुछ आया वेजिटेरियन। मल्दोवा में भी हमसे कुछ नहीं पूछा यहाँ पे, जस्ट हमारे डॉक्यूमेंट्स लिए और फिर स्टैंप लगा के आगे जाने दिया बस। स्नाउ का एयरपोर्ट है और हमने अपने टैक्सी बुला ली और यहाँ पे ऊबर ओला नहीं चलती। और व्यूज़ देखो आप, यहाँ पे ऊबर ओला नहीं चलती है, तो यहाँ पे येंडेक्स को ऐप है कोई।